गुलबर्गा शहर में अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से लगातार हर महीना उमरा ग्रुप रवाना हो रहे हैं और इस ट्रैवल्स के जरिए उमरा कर चुके लोगों ने अपने अच्छे तासुरात पेश किए हैं। अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से अपने पैकेजेस में 4 उमरा करवाने का वादा करते हैं, जिसको बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही हैदराबादी जायकेदार फूड और कम प्राइस में करीब और बेहतर होटल्स के अलावा लोकल जियारतों के साथ तमाम सर्विसेज का ख्याल रखा जाता है। और अगर आप भी उमरा जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मिलादुन्नबी के मौके पर बहुत ही बढ़िया पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें आप इस ट्रैवल्स के जरिए कुल 5 उमरा कर सकते हैं और 2 मरतबा मक्का मुकरमा का दौरा करवाया जाएगा। 12 सितंबर को ये ग्रुप हैदराबाद से रवाना होगा, जिसमें आपको पहुंचते ही पहला उमरा आलिम की निगरानी में करवाया जाएगा और 2 दिन मक्का में उमरा के साथ दीगर इबादतों के बाद 14 सितंबर को मदीना रवाना होंगे। 15 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी मदीना में अदा होगी और 21 सितंबर को मदीना से फिर मक्का ले जाकर आपको दूसरा उमरा करवाया जाएगा और फिर तीसरा उमरा मस्जिद जुराना से, चौथा उमरा तैफ से और 5वां उमरा सुलह हुदैबिया से करवाया जाएगा। और इन पैकेज में खास बात अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जनाब हाफिज जमालुद्दीन सिद्दीकी या उनके फर्जन हाफिज आसिम जियान सिद्दीकी आपके साथ मौजूद रहेंगे। अगर आप उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप गुलबर्गा मुस्लिम चौक सालेहिन मस्जिद कॉम्प्लेक्स में मौजूद अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अल सिद्दीकी ट्रैवल्स से हम आए यहाँ पे उमरे के लिए। आज जो है ना, जो 4 उमरे की बात करे थे, 4 उमरे जो है ना उनकी तरफ से कराया उन्होंने और खाने का और इंतजाम बहुत अच्छा रहा। रहने का और खाने का कोई चीज की तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को अल्लाह का शुक्र है। 7 दिन जो है ना मक्के में हुए, 7 दिन मदीने में हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप आना चाह रहे हैं तो अल सिद्दीकी ट्रैवल से आप रब्ता हो, उनसे मिल के आप जो है ना उमरे की तैयारी करो। आप जैसा बोले थे उन्होंने 150-200 मीटर के दरमियान में दोनों भी होटल बराबर थे। पूरे गुलबर्ग के आवाम से गुजारिश है मेरी कि आप जो है ना अल सिद्दीकी ट्रैवल से आ सकते हैं। आप आज हम ये बैठ दे रहे हैं कि अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल से हम उमरा के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग वादे किए थे, फूड और ज्यारतें और होटल नजदीक है, 200 मीटर पे मक्का में, 150 मीटर पे मदीना में। अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो वादा किए थे वो पूरा करें और खाने की क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दिए हमको हैदराबादी फूड। अल्हम्दुलिल्लाह जो ज्यारतें लग्जरी बस में बचे थे, अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी बस की फैसिलिटी से ज्यारतें भी कराए हैं। अल्लाह का फजलो करम है, हमारे 4 उमरे भी कराए थे, वादा करे थे 4 उमरे भी कराए हैं। अल्लाह का फजलो करम से हम पूरे कम्प्लीट कर लेके कल हमारी रवानगी है। अगर हमारे शहराने गुलबर्गा को अगर उमरा के लिए या हज के लिए जाना करना है तो हम रेफर करते हैं कि अल सिद्दीकी टूर्स एंड ट्रैवल्स को, इनके तरीके इनके जरिए से आप लोग अगर गए बोले तो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम वादा करते हैं सर्विस अच्छी मिलेंगी। अल सिद्दीकी टूर एंड ट्रैवल से हम उमरा आए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे तरीके से, और यहाँ आने के बाद भी हम लोगों को बहुत उमरा और तवाफ भी सब हो गया और वो लग्जरी में लेक्चर के जहाँ जहाँ एक्टिविटीज है वो लेक्चर के हम लोगों को बता के समझा के सोवे करके अच्छे तरीके से बताए, और होटल की फैसिलिटीज भी अच्छी है और मक्का में भी अच्छा है और मदीने में भी अच्छा दिए, और खाने पीने की कोई लोग सोचते अलग अलग लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद खाने पीने का भी अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा गुलबर्ग के शहर है लोग आने की कोशिश करें और अल सिद्दीकी टूर एंड ट्रैवल से सफर करें। अल्लाह ताला उनको बुलाना पड़ता है।